Next question is find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the homogeneous equation 5x square minus 8xy plus y square equal to 0. This is an example of 4.1 Indian 3 chota wala example. अब होमवर्क जो है आपने करके रख दिया, सब होमवर्क रेडी था आपका, डैडी ने देखा है होमवर्क तो दिखता ही नहीं, पकड़ लिया आपको बेटा, तू होमवर्क करते दिखता नहीं डैडी, होमवर्क कंप्लीट, कुछ भी पूछो आएगा डैडी, कुछ भी पूछो, और अगर नहीं आया तो डैडी मैं हूं ना, तुम पूछो तो सही, डैडी ने क्वेश्चन पूछा, ये जमेगा क्या, जमेगा क्या डैडी, क्वेश्चन के देखते आंसर बताऊंगा, क्या बात कर रहा, क्वेश्चन देखते आंसर बताएगा, यस डैडी, बेटा ये तो एक पेज का प्रॉब्लम है, चिंता नहीं डैडी, एक झटके में आंसर, ये क्वेश्चन आई विल गिव द आंसर, और रॉन्ग हुआ तो तेरा आंसर डैडी आई विल गिव यू 1 करोड़, बेटा तू 1 करोड़ कहां चलाएगा, डैडी हमारे घर के सर आपको दे देंगे 1 करोड़, लेकिन आंसर करेक्ट आने वाला है, लेकिन डैडी मैं रॉन्ग हुआ तो आई विल गिव यू 1 करोड़ गडकरी सर के थ्रू, लेकिन मेरा आंसर राइट आएगा तो आपको 10 लाख देना पड़ेगा, डैडी मंजूर, डैडी बोले मंजूर, शर्त लग गई, क्वेश्चन था फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन, डैडी बोले आंसर बता, डैडी को बता अपन ने, डैडी लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, डैडी चेक करो, और नहीं आया 1 करोड़ लेके जाओ, डैडी ने आंसर चेक किया पीछे में, आंसर करेक्ट, तेरे को कौन सा है इतना डायरेक्ट, डैडी दैट इज अवर JW ऑब्लिक CET ट्रिक, हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर में यहां का पोजीशन यहां लिखते हैं, माइनस का प्लस करते हैं रिलेटिव के लिए, और यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर वही रहते हैं, कोएफिशिएंट इधर उधर होते हैं, 1x² - 8xy का प्लस 8xy, यहाँ का 5y² इक्वल टू 0, ये आंसर आने वाला है, ये है सीईटी और JEE की डायरेक्ट अपनी ट्रिक, बट हाउ टू सॉल्व में चालू करते हैं फिर से एक बार, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 5x² माइनस 8xy प्लस y² इक्वल टू 0, मम्मी 200 रुपए, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, यानी माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 1, माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 1 मींस 8, इक्वेशन 8, m1 इनटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, हियर इज a एंड हियर इज b, 5 अपॉन 1 आंसर इज 5, इक्वेशन नंबर b, अब रिक्वायर्ड लाइंस कैसी है, गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर, गिवन लाइंस के स्लोप्स क्या है m1 और m2, तो अपनी लाइन का ये लाइन का स्लोप क्या होगा -1 अपॉन m1, क्योंकि अपनी ये लाइन गिवन लाइन को कैसी है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप m1 है तो अपनी लाइन का आएगा -1 अपॉन m1, दूसरी लाइन ये है गिवन लाइन, इसका स्लोप m2 है तो अपनी रिक्वायर्ड लाइन का आएगा -1 अपॉन m2, इनके रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप्स होंगे, therefore the separate equations of the required lines are y is equal to -1 upon m1x and y is equal to -1 upon m2x because they are both passing through the origin. m1 को इधर लेके आ रहा है, m1 y is equal to -x and m2 y is equal to -x. -x को इधर लेके आ रहा है, x plus m1 y equal to 0 and x plus m2 y equal to 0. Therefore, their combined equation is given by x plus m1 y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस m2y इज इक्वल टू 0, एक्सपांड किया x² प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1 इनटू m2 इनटू y² इक्वल टू 0, नाउ xy की दो टर्म है उसमें से xy कॉमन निकाला तो क्या बचा x1 m1 प्लस m2xy, x² प्लस m1 प्लस m2xy प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू y² इक्वल टू 0, m1 m2 y² इक्वल टू 0, व्हाट इज m1 प्लस m2 फ्रॉम इक्वेशन a,
it is nothing but 8xy. M1 plus M2, 8xy. हो गया, M1 plus M2, 8 आया था. यहाँ M1 into M2 की वैल्यू डाल दिया अपन ने, कितनी है? 5. M1 plus M2 कितना था? 8. From equation A, equation B. And therefore, the final answer is x square plus 8xy plus 5y square equal to 0. By CET trick also, the direct answer is x square plus 8xy plus 5y square equal to 0. That's all.